Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? आज मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताने लगा हूँ कि इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कब काबिले इस्तेमाल बनाया गया, ये सब कुछ आप जान सकेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। इंटरनेट दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इंटरनेट नेटवर्क यानी बैन अल्कवामी नेटवर्क है। ये बुनियादी तौर पर लादातार नेटवर्क्स पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स आपस में मुंसलिक होते हैं। इंटरनेट लातादाद माहिदों इंतजामात और कनेक्शंस का नतीजा है जो लातादाद कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स को आपस में मुंसलिक करके वजूद में लाया गया है। ये मालूमात एक ख़जाना है। यही वजह है कि दुनिया का कोई मौजू ऐसा नहीं जिसकी मालूमात इंटरनेट का ख्याल अमरीकी महकमे दिफा के एक सिस्टम अपरानेट से मुतासर होकर अमल में लाया गया है। अपरानेट एक दिफाई नौयत का वाइड एरिया नेटवर्क था जो मालूमात के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इब्तदा में इसे यूनिवर्सिटियों और रिसर्च के करने वाले इदारों के लिए इस्तेमाल किया गया। 1989 में अमेरिकी हुकूमत ने इंटरनेट को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी और यूं एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क का वजूद अमल में लाया गया। इंटरनेट हज़ारों कंप्यूटर नेटवर्क्स पर मुश्तमिल है जिसमें लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स आपस में मुंसलिक हैं और मालूमात का तबादला हो रहा है। आइए अब हम कुछ बुनियादी सहूलतों का जायज़ा लेते हैं जो हमें इंटरनेट के ज़रिए से मौसूल होती हैं या हासिल की जाती हैं। इंटरनेट में मालूमात का एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है जो कि दुनिया के तमाम मौजूआत पर वसी मालूमात मैसर रखता है। इस मालूमात को हासिल करने का सबसे आसान ज़रिया एक वेबसाइट या वेब होस्टिंग है। वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब का मुखफ़ है जिस पर मुख्तलिफ डेटा को अपलोड किया जाता है और इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है। इसके अलावा इंटरनेट में इंटरनेट एड्रेसेस और वेब ब्राउज़र शामिल हैं। वेब ब्राउज़र में ज़्यादातर इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स या फिर गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट में बहुत से सर्च इंजन्स गूगल, याहू और लेकोस, बिंदो, इस तरह के वेब ब्राउज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनेट मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का आज के दौर में बहुत ही अहम ज़रिया बन गया है। चाहे वो पैगाम ऑडियो में हो या वीडियो में हो, वो सेकंडों में दूसरे बंदे तक पहुंच जाता है। तो ये तो थी इंटरनेट के बारे में मुख्तसर सी तारीफ या जायज़ा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए पाशा टीवी चैनल।